के मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है और 10 बड़े अपडेट हम आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जरूर बता दें। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लेकिन ये अपडेट जानने भी जरूरी है। आखिरी दौर में अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। सिलक्यारा सुरंग पर 10 बड़े अपडेट। अब सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, 12 मीटर की ड्रिलिंग अब बस बाकी है। 57 मीटर में से 45 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक घंटे में सुरंग की ड्रिलिंग माना जा रहा है कि पूरी हो सकती है। एक घंटे का और इंतजार और ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी। 800 मिलीमीटर की पाइप अंदर डाली जा रही है और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से, किस तकनीक के इस्तेमाल से सभी को बाहर निकाला जाएगा। 11 दिनों से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मजदूरों को आज भी सुरंग के अंदर एक नई तकनीक की मदद से खाना पहुंचाया गया, चेंज की पाइप से खाना दिया जा रहा है, उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। और जी न्यूज ने सबसे पहले आपको अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर भी दिखाई थी। टनल के बाहर एक अस्थाई अस्पताल बनाया गया है, मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम कर दिया गया है। तो सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आज 11 दिन का समय बीत चुका है, श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के सकुशल बाहर आने के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। उत्तरकाशी के स्कूलों, मंदिरों में स्कूली छात्रों और सामाजिक संगठनों के द्वारा भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है ताकि वे सभी लोग जो अंदर फंस गए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए। तो जी न्यूज पर इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिए बात पते की।